मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारत सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया है। गुरुवार को जारी वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में संगठन ने कहा है कि अधिकारों का सम्मान करने वाले लोकतंत्र के रूप में वैश्विक नेतृत्व की भारत सरकार की दावेदारी इससे कमजोर हुई है। 740 पन्नों की अपनी ताजा रिपोर्ट में संगठन ने मणिपुर में हुए नस्लीय टकराव से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन और जम्मू कश्मीर के हालात का जिक्र किया है। भारत इस तरह के रिपोर्टों को अतीत में खारिज करता रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की इस ताजा रिपोर्ट पर सरकार ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपने बयान में भारत में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को हिंदू राष्ट्रवादी सरकार कहा है। संगठन की एशिया उपनिदेशक मीनाक्षी गांगुली ने कहा, भाजपा सरकार की भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी नीतियों के कारण अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। इससे डर का माहौल बना है। सरकार की आलोचना करने वालों में भी डर पैदा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दो हिस्सों में जारी की गई एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर सरकार ने दिल्ली और मुंबई में मौजूद बीबीसी के दफ्तरों पर छापे मारे। ह्यूमन राइट्स वॉच के रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई में हरियाणा के नूह में हिंदू धर्म मानने वाले कुछ लोगों ने एक जुलूस निकाला, जिसके बाद इलाके में हिंसा तेजी से फैली। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सरकार ने मुसलमानों के विरोध में कार्रवाई करते हुए कई मुसलमानों की संपत्तियों को तोड़ा और उन्हें हिरासत में लिया गया। बीते साल मई में देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में वहां के बहुसंख्यक मैतई और अल्पसंख्यक कुकी समुदायों के बीच भीषण हिंसा शुरू हो गई। रिपोर्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कुकी समुदाय के लोगों पर नशे की तस्करी और म्यांमार से आ रहे लोगों को पनाह देने का आरोप लगाया और कहा गया है कि इस बयान से हिंसा को हवा मिली। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में अभिव्यक्ति की आज़ादी, विरोध प्रदर्शन की आज़ादी पर कथित पाबंदी का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में सुरक्षा बलों के हाथों कथित एक्स्ट्रा जुडिशियल मौतों के बारे में भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद वहां से आम लोगों की मौत की भी खबरें आती रही हैं। बीते साल भर देश के मीडिया में कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों का विरोध प्रदर्शन भी चर्चा में रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला पहलवानों का आरोप था कि महासंघ के अध्यक्ष रहते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक दशक तक यौन दुर्व्यवहार किया। इन महिला पहलवानों में ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी भी शामिल रहीं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश की। ह्यूमन राइट्स वॉच करीब 100 देशों में मानवाधिकारों से जुड़ी नीतियों और उन पर होने वाली कार्रवाई पर नजर रखता है। इसी के आधार पर वो अपनी सालाना विश्व रिपोर्ट तैयार करता है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द लेटेस्ट।